इंतजार खत्म हुआ। तो चलिए एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आप नेता राघव चड्ढा की शादी की खबरों के बीच आपको परिणीति चोपड़ा के परिवार यानी दूल्हे राजा राघव चड्ढा के ससुराल वालों से मिलाते हैं। परिणीति एक पंजाबी फैमिली से ताल्लुक रखती है। एक्ट्रेस अपने परिवार के काफी करीब है। परिणीति के पापा यानी राघव चड्ढा के होने वाले ससुर का नाम पवन चोपड़ा है, जो एक बड़े बिजनेसमैन है। पवन चोपड़ा अंबाला कैंटोनमेंट में इंडियन आर्मी के लिए सप्लायर का काम भी करते हैं। परिणीति के पिता को सिंगिंग का भी शौक है। वहीं परिणीति की मां और राघव चड्ढा की होने वाली सास रीना मल्होत्रा एक NRI है। उनका जन्म सिंगापुर में हुआ था। एक समय पर वो केन्या में रहती थी, हालांकि बाद में इंडिया शिफ्ट हो गई थी। परिणीति की माँ एक हाउसमेकर होने के साथ एक आर्टिस्ट भी है। वो अपनी पेंटिंग्स और आर्ट एग्जीबिशन के लिए चर्चा में रहती है। परिणीति चोपड़ा के दो भाई हैं। एक भाई का नाम सहज चोपड़ा है और दूसरे का नाम शिवांग चोपड़ा है। एक्ट्रेस के दोनों भाई काफी गुड लुकिंग हैं। लुक्स और अपीयरेंस में वो बॉलीवुड हीरोज को टक्कर देते हैं। परिणीति दोनों ही भाइयों के बेहद करीब हैं। एक्ट्रेस उन पर अक्सर प्यार लुटाती नजर आती है। परिणीति के एक भाई सहज चोपड़ा एक एंटरप्रेन्योर है। उनका दिल्ली में फूड और ट्रैवल का बिजनेस है। परिणीति अक्सर ही अपने भाई के बिजनेस को प्रमोट करती दिखाई देती हैं और परिणीति के सबसे छोटे भाई शिवांग चोपड़ा एक डॉक्टर हैं। उन्होंने लंदन के मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है। शिवांग को परिणीति अपने बेबी की तरह मानती है। ये तो सभी जानते हैं कि ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा होने वाली दुल्हनिया परिणीति चोपड़ा की कजिन सिस्टर है। परिणीति और प्रियंका काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करती हैं। बहन परिणीति की सगाई में भी प्रियंका चोपड़ा शामिल हुई थी। प्रियंका और परिणीति को अक्सर एक दूसरे संग हैंगआउट करते देखा जाता है। वहीं बात अगर परिणीति की करें तो उनके पास ट्रिपल ऑनर्स डिग्री है। उन्होंने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में डिग्री पाई है। अगर परिणीति को लंदन में नौकरी मिल गई होती तो वह आज किसी इंटरनेशनल बैंक में बहुत ज्यादा कमाई कर रही होती। परिणीति ने इस बारे में अपने एक इंटरव्यू में बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी एक बैंकर बनना चाहती थी। मैंने इसके लिए स्टडी की। मैंने इंग्लैंड में अपनी स्टडीज के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए थे और मैं लोन पर थी। जब मुझे नौकरी नहीं मिल पाई, मैंने बिना सोचे मुंबई आने का फैसला किया। मुंबई का टिकट खरीदने का इकलौता कारण था कि उसका टिकट दिल्ली से सस्ता था। मुंबई आने के बाद परिणीति ने यशराज फिल्म्स के अकाउंट डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन यशराज के पास उस समय उस डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं थी, तो उन्होंने परिणीति को मार्केटिंग और PR डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप दे दी। इंटर्नशिप के दौरान ही परिणीति को पहली बार एक्टिंग और फिल्म मेकिंग के बारे में सीखने को मिला था। इसके बाद उन्होंने साल 2011 में लेडीज वर्सेस रिकी बहल से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। पर लीड एक्ट्रेस के तौर पर उनकी पहली फिल्म इश्कजादे थी। जल्द ही वो अक्षय कुमार के साथ मिशन रानीगंज में लीड रोल में नजर आने वाली है। इसी के साथ राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को नए सफर की ढेर सारी बधाई।